स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो ये हरियाणा इकोनॉमी की तीसरी क्लास है, इससे पहले दो क्लास आ चुकी है। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था बीकॉम सेमेस्टर सेकंड की बुक है KUK यूनिवर्सिटी की, और हरियाणा इकोनॉमी का जो सिलेबस HSSC ने ऐड किया है वो हूबहू उस बुक से कॉपी है। और मेरी जो ये वीडियो है ये उसी बुक पे बेस है। मेरा मकसद क्या है कि जब आप वो बुक पढ़ें ये वीडियो देखने के बाद तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में। तो आसान सा टॉपिक है, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर इन हरियाणा, यानी हरियाणा में जो कृषि की व्यवस्था है क्या क्या उसका वो है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो हरियाणा का आपको पता है बहुधा नेग बोला जाता है, यहाँ पे फसलें वगैरह सब अच्छी उपजाऊ भूमि है, हरियाणा और पंजाब की दोनों की बात करूँ तो मैं। तो देखो हरियाणा, अगर मैं गेहूं के मामले में बोलूं तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है ये इंडिया में गेहूं के मामले में। और अगर मैं पैडी की बात करूं यानी धान के मामले में तो ये थर्ड स्टेट है पूरे इंडिया में। और अगर बासमती चावल की बात की जाए, देखो मैं ये फैक्ट क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी इंडिया में क्या पोजीशन है, हमारी मतलब एग्रीकल्चर या फिर खाने वाले अनाज है तो उसमें हमारी भूमिका कितनी है इंडिया में, ठीक है। तो देखो हरियाणा फर्स्ट पोजीशन पे है बासमती चावल के एक्सपोर्ट करने के मामले में। देखो करनाल कैथल है जैसे, तो ये चावल के उत्पादन में काफ़ी आगे है और ये पूरी इंडिया में, यहाँ तक कि विदेशों में भी यहाँ का चावल जाता है। तो हरियाणा और पंजाब को कलेक्टिवली ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी पूरे इंडिया के लिए अनाज का कटोरा का काम करते हैं हरियाणा और पंजाब मिलके, ठीक है। तो ये था एक आपको समझाने के लिए कि हरियाणा में मतलब कृषि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखो शुरू करते हैं सबसे पहले कि एग्रीकल्चर का रोल कितना है हमारी लाइफ में, कृषि क्या क्या भूमिका निभाता है। तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें एक स्लोगन काफ़ी चला था नो फार्मर नो फूड, यानी किसान नहीं है तो अनाज भी नहीं है। तो क्या इसमें सच्चाई थी, तो देखते हैं क्या रोल था इसका। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का रोल बता दूँ आपको GDP के मामले में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी हमारे जो पूरे इंडिया की नेशनल इनकम है या हरियाणा की नेशनल इनकम है उसमें कृषि सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रोल है, कितना हिस्सा है। देखो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय में हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्टर इम्पोर्टेंट था, वो था एग्रीकल्चर, हम प्योरली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। तो उस समय में GDP का हिस्सा था 56.6%, यानी जो हरियाणा की GDP थी उसमें 56.6% तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान था। और अभी जो रिसेंटली की बात है, रिसेंटली लगभग ये आंकड़ा 16.6% पे आ गया, तो इसके डाउन आने के क्या कारण है। देखो जितना डेवलप्ड कंट्री होगा ना वहाँ पे एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी कम होगी, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड है, वहाँ पे जो GDP में एग्रीकल्चर का योगदान है वो सिर्फ 1% है। ऐसे ही देखो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर ही एकमात्र सोर्स था इनकम का, तो उस समय आप देख सकते हो लगभग हाफ 50% एग्रीकल्चर ही बेस थी हमारी इकोनॉमी। तो ये अब ये जो रिसेंट वैल्यू है ये है देखो, तो ये डाउन आने के क्या कारण है। देखो जैसे जैसे इंडस्ट्री लगती गई, सर्विस सेक्टर डेवलप होता गया, तो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम होती गई। तो जो इंडस्ट्री वगैरह है और जो सर्विस सेक्टर है, यानी आप ये समझिए जैसे अगर आप आज आपका परिवार खेती करता है और कल को आप जॉब पे लग जाते हैं तो आपका परिवार की जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ऐसे ही इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हुई तो इस वजह से क्या हुआ, जो GDP में योगदान था एग्रीकल्चर का वो कम होता गया।
और मैंने आपको बता दिया जितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा ना वहाँ पे ये चीज़ें ये जो ये वेटेज एग्रीकल्चर का वो कम होगा। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ इंडिया की तो इंडिया में लगभग ये आंकड़ा 17% के करीब है, यानी जो इंडिया की जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है 17% का। तो ये था जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल। देखो आगे है इंडस्ट्री, सेकंड पॉइंट क्या है इंडस्ट्री। देखो एग्रीकल्चर के बिना अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये कोरी कल्पना होगी, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर किसी इंडस्ट्री का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है उसको कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। देखो फॉर एग्जांपल आप राइस मिल लगाने जा रहे हो, आप चावल का मिल लगाने जा रहे हो, लेकिन अगर किसी किसान ने पैडी या फिर दान मैं जीरी बोल सकता हूँ हरियाणवी भाषा में, अगर जीरी नहीं लगाई तो आप राइस मिल का क्या करेंगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे शुगर फैक्ट्री है या शुगर केन शुगर मिल है, ठीक है, शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो जो भी जैसे कोई भी पेपर फैक्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो प्योरली डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे। तो देखो इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा योगदान है। आगे मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट, देखो ट्रांसपोर्ट कैसे इकोनॉमी इस पे एग्रीकल्चर पे बेस है। देखो हरियाणा में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है। देखो फॉर एग्जांपल कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे चावल वगैरह गेहूँ वगैरह। तो इन डिस्ट्रिक्ट में ये एक दो डिस्ट्रिक्ट और हैं, जैसे इंक्लूड करूँ तो मैं हिसार, सिरसा, तो इन डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, जैसे पंचकूला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, चरखी दादरी, भिवानी, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है। तो देखो जिन डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जिन में कम होता है तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अभी मंडियों में गेहूँ जाता है फिर जीरी जाती है, तो उनको क्या करना होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में कमी है उस चीज़ की तो वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, या फिर ट्रेन के माध्यम से, जैसे आपको देखा होगा रेलगाड़ी में लोड करते हुए तो वो दूसरी स्टेट में भी जाते हैं। तो एक ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे बेस है। तो जो ट्रांसपोर्ट को इनकम होती है ना वो हमारे एग्रीकल्चर की वजह से ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये डिस्ट्रिक्ट मैंने नाम बताया आपको, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी या फिर भिवानी, तो इनमें कई डिस्ट्रिक्ट में तो क्या इशू है कि वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है मिट्टी की वो कम है, और जैसे गुरुग्राम है, पंचकूला है, फरीदाबाद है, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की वजह क्या है कि वहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री वगैरह है, ये ज़्यादा है। क्योंकि आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप एट ये अंडरस्टूड है कि आप खेती नहीं करेंगे साथ के साथ, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ पॉइंट है गुड वेज, यानी पशु हो या फिर इंसान हो, उनकी जो बेसिक ज़रूरत होती है, मूलभूत आवश्यकता है, वो एग्रीकल्चर से आती है। जैसे पशुओं के लिए चारा या फिर इंसान के लिए रोटी, वो सारी की सारी किस पे बेस है, एग्रीकल्चर पे बेस है। देखो फिफ्थ पॉइंट है सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है, देखो जैसे आपने रिसेंटली देखा किसान आंदोलन चला, लगभग 1.5-2 साल चला, तो
आखिरकार सरकार को इनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि सरकार समझती है एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस कितनी है जीडीपी में। तो काफ़ी मेहनत के बाद किसानों ने वो किया। और सोशल क्या है, देखो सोशल क्या है, अगर किसान खेती करेगा अच्छी इनकम होगी तो वो सोशली भी ठीक होगा। और पॉलिटिकल तो आपने देखा है, बार बार घोषणाएं होती है किसानों के लिए कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, बिजली बिल अदा कर देंगे, आपको लोन देंगे, आपका लोन माफ़ कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो एक पॉलिटिकल भी काफ़ी बड़ा इशू है एग्रीकल्चर। तो देखो ये था एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, क्या क्या रोल है एग्रीकल्चर के हमने देखा। देखो आगे क्या, कुछ प्रोडक्शन के फैक्ट है, यानी एग्रीकल्चर में हमने कितनी प्रोग्रेस की। देखो जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए 1966-67 की बात करूँ तो मैं, तो उस टाइम पर जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन का मतलब क्या है, जो भी मोटे अनाज है या फिर दालें वगैरह सब मिला के, तो कितना था 25.92 लाख टन। ठीक है, ये इतना प्रोडक्शन हुआ था उस समय में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 2019-20 में जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ हरियाणा में वो कितना हुआ है, 184.20 लाख टन। ये हाईएस्ट प्रोडक्शन था हरियाणा में। तो देखो आप यहाँ से आइडिया लगाओ कितने टाइम हो गया, ये यहाँ से लगभग ये 7 टाइम है, ठीक है, 7 टाइम से भी ज़्यादा हो गया। तो इतना प्रोडक्शन हो गया है, तो इसकी वजह काफ़ी सारी वजह थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई, या फिर क्रेडिट स्कीम आई किसानों के लिए, तो किसानों ने इम्प्रूव किया, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा है आप देख सकते हो। सिर्फ अगर मैं कपास की बात करूँ ना, कॉटन की बात करूँ, तो उस समय में जो प्रोडक्शन था और आज प्रोडक्शन है वो लगभग 8 गुना का फर्क है उसमें। और अगर मैं शुगर केन गन्ने की बात करूं तो गन्ने में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, और गन्ने भी लगभग 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना प्रोडक्शन हुआ है। जो प्रोडक्शन घटा है मेन बात है वो है पल्सिस, यानी दालों का उत्पादन कम हो गया है एज कंपेयर टू, देखो पहले 1967-67 में प्रोडक्शन था वो 5.63 लाख टन दाड़ों का उत्पादन किया था हरियाणा ने, लेकिन अभी रिसेंटली डाटा क्या है, ओनली 64,000 टन उत्पादन हुआ, यानी दाड़ों का उत्पादन घट गया। दाड़ों का उत्पादन घटने के पीछे वजह क्या है, एक तो अवेयरनेस की कमी है, यानी किसान हमारे जो हरियाणा किसान है ना वो ज़्यादातर वीट और पैडी, गेहूं और धान, इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो दाड़ का उत्पादन ऑटोमेटिक ही कम हो गया। तो ये चीज़ें थी कि जो जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया। देखो हमारे किसानों ने क्या किया, कमर्शियल क्रॉप होती है जैसे गन्ना है या फिर दालें हैं या फिर तिलहन है, सरसों है, ये कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखना कि दाल का उत्पादन कम हो गया। देखो आगे क्या है, कुछ फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, यानी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें कैसे है, देखो आपको पता है कोई भी फसल होती है आप लगाते हो तो उसका जो उत्पादन है, कितना उत्पादन फाइनली होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत सी कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इरीगेशन। देखो इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। अगर किसान एक प्रॉपर तरीके से और सुफिशेंट तरीके से सिंचाई के साधन उसके पास उपलब्ध है तो वो अपने आप में मोटिवेट भी रहेगा, और उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी फसल लगाऊं। देखो अगर आपके पास सिंचाई के साधन सीमित है तो आप गन्ने की फसल नहीं लगा सकते, क्योंकि गन्ने की फसल में पानी सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी फसल लगाऊं, मैं बागवानी की तरफ जाऊं या ना जाऊं। तो सिंचाई का काफ़ी बड़ा रोल है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। तो देखो अगर एग्रीकल्चर में इरिगेशन अच्छा है, मान लो प्रॉपर है, आप समरसेबल पे डिपेंड नहीं है, तो ये चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है।
लेकिन हरियाणा पंजाब में तो स्थिति ठीक ठाक है, तो सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और है देखो सीड, मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र। देखो बीज, खाद और उर्वरक, ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी के बीज होगे, आप अच्छी अच्छी जो रासायनिक उर्वरक यूज करेंगे और जो खाद वगैरह समय पर डालेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। देखो हमारे यहाँ पे एक HA यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो ये सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है कौन सा बीज की किस्म अच्छी है, कौन सा खाद वगैरह है, बार बार किसानों को हेल्प करना, तो ये इसी पर्पज़ से बनाई गई है। तो देखो एक होता है हाई यील्डिंग सीड, ठीक है, यानी जो ज़्यादा पैदावार देते हैं वो बीज इस्तेमाल करना। और फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र अगर किसान को समय पे मिलते हैं, कम कीमत पर मिलते हैं और पर्याप्त मात्रा मिलते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इन बातों का आपको पता है, आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, सोयल यानी मिट्टी। देखो अगर मिट्टी में उपजाऊ शक्ति होगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। अब तो बहुत जगह पे सोयल टेस्टिंग लैब खुल गई है जहाँ पे आप अपनी मिट्टी को ले जाके टेस्ट करवा सकते हो कि इसमें कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कौन सी फसल बोनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है, यानी आपके खेत की मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा होगी तो आप ये चीज़ भी चेक करवा सकते हो। तो सोयल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है प्रोडक्शन में। आगे मैं बात करूं क्रेडिट, क्रॉप रोटेशन, देखो क्रेडिट क्या है कि किसानों को अगर समय पर ऋण मिल जाए, पैसा पर्याप्त मात्रा में उनके पास, तो वो फसल भी उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर मान लो किसान के पास पैसे नहीं है तो समय पे सिंचाई नहीं करवा पाता, समय पे जुताई नहीं होती, समय पे कोई खाद डालना वो नहीं हो पाता, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। देखो क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, सुना होगा आपने, हमें जो फसल है ना वो बदल बदल के बोनी चाहिए, कभी तिलहन बो दिया, कभी दाल बो दी, कभी गेहूँ, कभी गन्ना, तो इस अगर ये फसल चक्र चलता रहता है तो ऑटोमेटिकली जो सोयल की प्रोडक्शन है कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक सिक्स्थ पॉइंट हो रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो जब किसान फाइनली फसल निकाल लेता है तो जब मंडी में लेके जाता है, अगर उसको वहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं मिलती है और प्रॉपर MSP मिलता है, यानी जो उसने फसल का जो रेट है उसको सही मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली अगले साल प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, वो जी जान लगाएगा। अगर उसको मान के चलो जैसे सूरजमुखी वाला एग्जांपल हम रिसेंटली देते हैं, किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया, उन्होंने सूरजमुखी बोया लेकिन जो सरकार रेट दे रही थी वो काफ़ी कम थे, इस वजह से किसानों ने आंदोलन किया। तो अब आप देखो अगली बार वो सूरजमुखी बोते टाइम एक बार सोचेंगे कि क्या पता इस बार भी पिछली साल वाला काम हो जाए तो हमें रेट ना मिले, तो वो ऑटोमेटिक उस फसल से पीछे हट जाते हैं। तो देखो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इन चीज़ों का आपको पता है लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाए तो अच्छी, आप एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है हमारा, क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा। देखो फसल बीमा सभी को बीमे की ज़रूरत है, इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा रिस्की, मैं फार्मिंग को सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस बोलूँगा, तो इस रिस्क को कम करने के लिए सरकार क्या लेके आई, फसल बीमा। जो फसल बीमा की शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी, ठीक है। फसल बीमा का क्या मतलब है, जैसे आप फसल उगाते हो तो बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, जैसे कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी
मौसम में कुछ बदलाव आ गया, कभी आंधी तूफान, ऐसी चीज़ें चलती रहती है, और फाइनली अगर प्रोडक्शन प्रभावित होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा करवाया जाता है। तो देखो बीमे का क्या चक्कर होता है, आप जैसे हेल्थ बीमा करवाते हो तो आपको एक निश्चित अमाउंट पे करनी पड़ती है, यानी कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। जैसे मान लो 2 लाख का बीमा होता है तो आपको कुछ अमाउंट हर मंथली या फिर 6 मंथ में या फिर सालाना आपको पे करनी पड़ती है एज ए प्रीमियम। तो ऐसे ही किसान भी प्रीमियम भरता है। देखो जो 1985 में फसल बीमा की शुरुआत हुई, फिर क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और यहाँ से भी एक MCQ बनता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी, 1999 में, ठीक है। फिर आगे क्या आई, वेदर वेस्ट इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, वेदर बेस्ड यानी मौसम पे आधारित क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो ये कब लॉन्च हुई थी, 2013-14 में, ठीक है। तो देखो ये स्कीमों का उद्देश्य वही था भाई, किसानों को नुकसान कम से कम हो और वो आश्वस्त रहे अपनी फसल को लेके। तो फाइनली क्या हुआ, आपने नाम भी सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार लेके आई थी 2016 में, खरीफ का सीजन चला हुआ था तब, खरीफ 2016 में, यानी 2016 में जब खरीफ की फसल बोई हुई थी उस समय में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हाई चांस है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी किसानों के बीच में और इसने लगभग, मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, 30% किसानों को कवर कर दिया था, ठीक है। यानी अगर 100 किसान खेती कर रहे हैं तो उसमें से 30 किसानों का बीमा इस स्कीम के अंडर में था, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट क्या, देखो एक तो इस स्कीम में क्या था, एक तो जैसे आप रबी या खरीफ की फसल बोते हो तो खरीफ की फसल के लिए मैक्सिमम इसको 2% किसान को 2% प्रीमियम पे करना था। 2% का मतलब क्या, मान लो 100 रुपये का बीमा हुआ आपका तो उसमें सिर्फ आपको मैक्सिमम दो रुपये पे करने थे। और रबी सीजन के लिए बात करूँ तो मैं तो 1.5 था, 1.5% प्रीमियम। और अगर कोई कमर्शियल क्रॉप है तो वो था 5%, ठीक है। तो देखो मान लो 100 रुपये का बीमा आपका, तो आपने खरीफ के लिए दो रुपये पे किए और रबी के लिए 1.5 रुपया, और कमर्शियल क्रॉप है जैसे गन्ना वगैरह है या फिर कोई भी तिलहन की फसल है तो उसमें आपको 5 रुपये पे करने थे। जो भी डिफरेंस था, मान लो बीमा कंपनी है उसको 2 रुपये में उसका प्रीमियम में काम नहीं चलता, तो बाकी जो बीच का गैप है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके पे करती थी। और इसकी क्या खास बात थी कि ये डायरेक्ट किसान के खाते में आता था, और अगर किसी किसान ने बैंक से लोन वगैरह ले रखा था क्रेडिट कार्ड पे तो उसके लिए ये कंपल्सरी थी, तो उसके लिए कंपलसरी थी। तो इसमें काफ़ी सारे किसानों को ये फसल बीमा का फ़ायदा हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ रियलिटी थी, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे। एक तो क्या था कि डिले, यानी कई बार जानबूझ के कंपनी वाले क्या करते हैं, आज आपने अपनी फसल रिपोर्ट की कि मेरी फसल ख़राब हो गई तो जानबूझ के कागजी कार्रवाई में डिले कर देते थे, ग्राउंड लेवल पर वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, अवेयरनेस नहीं थी किसानों में इसको लेके, तो काफ़ी इसका विरोध भी हुआ था, काफ़ी मुद्दा भी उठा था कि करोड़ों का घोटाला हुआ इस स्कीम में, तो किसानों में अवेयरनेस की भी कमी थी। सेकेंड चीज़ क्या है, देखो इसमें सरकार को सब्सिडी पे करनी पड़ती है तो सरकार पे बर्डन पड़ता फाइनेंशली, तो वो भी एक ड्रॉबैक ही है इसका। तो ये थी क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
तो अगर आप उस बुक से पढ़ेंगे तो आपको अब समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थी हरियाणा इकोनॉमी की तीसरी क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हुआ सब कुछ। अगर आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, अगस्त के पहले वीक में संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो, तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर कवर हो जाए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।